सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में करण नैना की तरफ बढ़ाता है दोस्ती का हाथ। सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच में अब आप लोगों को नैना और करण के बीच में देखने को मिलेंगे कुछ लव मोमेंट्स। नैना और करण के रिश्ते के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि करण ने आज तक नैना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। वो नैना से नफरत करता है और शादी के दिन से अब तक उसने नैना से कभी भी प्यार से बात नहीं की है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नैना ने कभी भी अपने एफर्ट्स में कमी नहीं लाने दी है। वो हमेशा से ही एक अच्छी बीवी और बहू की जिम्मेदारी निभाती रही है, क्योंकि उसने अपनी माँ शारदा और अपने आप को ये प्रॉमिस किया था कि वो अपने एफर्ट्स में कभी भी कमी नहीं आने देगी। और अब नैना को करण के अफेयर के बारे में भी पता चल गया है, लेकिन नैना ने इस बात को जानकर ओवर रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसने करण को बहुत ही मैच्योरली सपोर्ट किया है और उसने उसे बोला है कि वो उसके साथ है। नैना ने एक फ्रेंड के रूप में करण को सपोर्ट किया और करण नैना के ऐसे बिहेवियर को देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि उसने आज तक नैना से कभी भी अच्छे से बात नहीं की और वो फिर भी हर चीज में उसको सपोर्ट आई है। इसीलिए अब करण ने भी नैना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। नैना और करण की ये दोस्ती उनके प्यार की तरफ बढ़ने वाला ये पहला कदम है। अब क्या करण नैना की अच्छाई को समझ पाएगा और वो नैना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, या नैना को करण को छोड़ना होगा? ये सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस। सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में करण नैना की तरफ बढ़ाता है दोस्ती का हाथ। सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच में अब आप लोगों को नैना और करण के बीच में देखने को मिलेंगे कुछ लव मोमेंट्स। नैना और करण के रिश्ते के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि करण ने आज तक नैना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। वो नैना से नफरत करता है और शादी के दिन से अब तक उसने नैना से कभी भी प्यार से बात नहीं की है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नैना ने कभी भी अपने एफर्ट्स में कमी नहीं लाने दी है। वो हमेशा से ही एक अच्छी बीवी और बहू की जिम्मेदारी निभाती रही है, क्योंकि उसने अपनी माँ शारदा और अपने आप को ये प्रॉमिस किया था कि वो अपने एफर्ट्स में कभी भी कमी नहीं आने देगी। और अब नैना को करण के अफेयर के बारे में भी पता चल गया है, लेकिन नैना ने इस बात को जानकर ओवर रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसने करण को बहुत ही मैच्योरली सपोर्ट किया है और उसने उसे बोला है कि वो उसके साथ है। नैना ने एक फ्रेंड के रूप में करण को सपोर्ट किया और करण नैना के ऐसे बिहेवियर को देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि उसने आज तक नैना से कभी भी अच्छे से बात नहीं की और वो फिर भी हर चीज में उसको सपोर्ट करती आई है। इसीलिए अब करण ने भी नैना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। नैना और करण की ये दोस्ती उनके प्यार की तरफ बढ़ने वाला ये पहला कदम है। अब क्या करण नैना की अच्छाई को समझ पाएगा और वो नैना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, या नैना को करण को छोड़ना होगा? ये सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।